देखो आखिर इसका कितना बढ़ गया है, एक तो मैंने आपके वृंदावन में फ्लैट ले लिया, फ्लैट के साथ साथ आपको इनकम भी आती हो भैया। मतलब इनकम कैसे, मतलब वो रेंट आता है क्या? मतलब क्या आपसे जो फ्लैट लेते हैं तो उसका रेंट आप देते हो? हाँ, जैसे जैसे 35 लाख का फ्लैट है तो 30,000 रूपए महीना रेंट जाता है। भैया ने अपना अकाउंट नंबर दिया था ना, तो उसी में जाता है। भैया वो चीज मैं क्लियर कर दूंगा, मेरी बात सुन दीदीगा, मत बताओ ये वाली बात, मेरा हाथ पकड़ रहा बिना बात के। वो है ना, अभी घर चलते, घर में बात करूंगा मैं। आप घर चलो यार, तमाशे मत कर। तमाशे नहीं कर रही, आप अगर इज्जत चाहते हो ना सन्नी, तो आप बाहर हो जाओ। शांति से ना हाथ मत चला, शांति से बैठ के तो बात कर ले। चलो मैं कहा घर बात हो सकती है, ये तमीज है। अरे क्या समझाना तेरे को भाई, भैया का टाइम नहीं है, तू बाहर चले भी खड़ी हो, बाद में बात कर लेंगे इस बारे में। तू बात कर, जैसे मैंने नहीं शेयर कर यहाँ पे, नहीं बुलाया गया कि यहाँ पर रेंट मिलता है। सन्नी मैं अपनी पे आऊंगी ना, इसको एक काम कर, पेपर लेके ना इसको बैठ, इसको समझाओ, इसको समझाओ, समझाओ, समझाओ ना, इसको समझाओ। भैया बहुत बढ़िया लगा यार, लव यू भैया, आपने जो सम्मान दिया, अच्छे से घूमे फिर हम। कमी तो नहीं, होटल आपका एक मिनट में एक बार बता रहे भैया, सबसे बेस्ट चीज जो है ना, देखो किसी की जो चीज है उसको अप्रिशिएट करना बनता है। मतलब कोई भी आपके रिसोर्ट में रुकेगा तो उसको पूल सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। पूल इतने बड़े एरिया में आपने बनाया, इतना बड़ा पूल वृंदावन में, इतना बड़ा पूल प्लस इतना बड़ा बैंकेट हॉल, इतने मतलब 700-800 बंदे तो आ जाते होंगे भाई साहब। 50 से 55 शादियां होती है हमारे यहाँ साल। ओ तेरी, अभी तो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग। देखो आपसे रिश्ता कितना बढ़ गया है, एक तो मैंने आपके वृंदावन में फ्लैट ले लिया, दूसरा आप यहाँ पे आते हो मेरे को आनंद मिलता है, आपसे रिश्ता बन गया है। अब कभी परिवार में शादी होगी तो यही करवाऊंगा, अब थोड़ा लेट हो रहा हूँ उसके लिए क्षमा चाहूंगा, नेक्स्ट टाइम जल्दी आऊंगा। फ्लैट के साथ साथ आपको इनकम भी आती है भैया, रेंटल आ रही है, वो चीज अलग है। अच्छा, मतलब इनकम कैसे, मतलब वो रेंट आता है क्या? क्या इनकम का मतलब, कैसे इनकम? रेंटल जाता है ना भैया के अकाउंट में। अच्छा, कौन सा रेंटल? जो फ्लैट का जो रेंटल है, सन्नी ज्यादा आपको वो हो रहा है तो, वो तो मेरा फ्लैट है ना, मेरे नाम से है तो उसका रेंट का क्या सीन था? भैया ने अपना अकाउंट नंबर दिया था ना, तो उसी में जाता है। मतलब क्या आपसे जो फ्लैट लेते हैं तो उसका रेंट आप देते हो? हाँ, जैसे जैसे 35 लाख का फ्लैट है तो 30,000 रूपए महीना रेंट जाता है। भैया वो चीज मैं क्लियर कर दूंगा, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे मत बताओ सन्नी, आप मुझे मत बताओ ये वाली बात, मेरा हाथ पकड़ रहे हो बिना बात के। भैया आपको पता है वो कितनी मेहनत से जोड़ के फ्लैट लिया था, उसका कोई रीजन था? तो मेहनत सारी तेरी थी, पैसे क्या आपसे बात नहीं कर रही हूँ मैं। 35 लाख का था, 3 लाख रुपए तेरे बस यहाँ पर क्रेश मत, किसी ने भैया से मेरे, आपने फ्लैट दिया, आपने रेंट किसी का, अगर किसी को आप रेंट दे रहे हो तो आपको नहीं लगता अगर मेरे नाम पे वो फ्लैट है? अभी तो दिया है 3-4 दिन पहले, अभी तो बताने वाला था मैं, क्यों बताने वाले थे? आपने मुझे कोई जिक्र इस बारे में कोई बात तक नहीं हुई हमारे बीच में। वो है ना, अभी घर चलते, घर में बात करूंगा मैं। आप घर चलो, मैं अभी आ रही हूँ। यार तमाशे मत कर, तमाशे नहीं कर रही, आप अगर इज्जत चाहते हो ना सन्नी, तो आप बाहर हो जाओ। शांति से ना हाथ मत चला, शांति से बैठ के तो बात कर ले, तो मैं पे जाके बात हो सकती है। ये तमीज है, थोड़ा ध्यान से ले, कोई नहीं, ये सब होता रहता है, दिल की बात है। अरे ये थोड़ी यार कि औरत कहीं भी सभी तमाशे करने शुरू कर देगी, ये थोड़ी होता है यार। एक बार मेरे को थोड़ा समझा दो। अरे क्या समझाना तेरे को भाई, भैया का टाइम नहीं है, तू बाहर चले भी खड़ी हो, खड़ी होते सन्नी, टून यहाँ से खड़ी हो जा सन्नी, ये बदतमीजी। मैं कह रहा हूँ भैया क्या क्या इज्जत सम्मान से रह ले, एक मिनट भैया, बाहर चल, बाद में बात कर लेंगे इस बारे में। पीछे रेंट क्या सीन है भैया, क्या अच्छा लग रहा है क्या, हमें बेइज्जती करवाते हुए यहाँ पे खड़े हो गए यहाँ पे, ये मेरे को भैया एक मिनट में इसका रेंट का बंद बना। भैया मैं समझा दूंगा, मैं सॉरी बोलता हूँ, मैंने तेरे से मैंने नहीं शेयर कर, यहाँ पर रेंट मिलता है मेरे पैसे से, आपने मेरे रेंट को क्यों नहीं बताया? तेरे कौन से पैसे आ गए, 3 लाख रूपए डाले 35 लाख के अंदर, यहाँ पे तमाशे मत कर, मेरी इज्जत बनी हुई है। इज्जत आपने कहा कि मैंने, वो क्या सोचेंगे अपने बीवी को झूठ बोलते हैं घर के अंदर, यहाँ मेरे को मारेगी सबके सामने, मैं मार रही हूँ क्या कर रही है पीछे से, ये कोई तमीज है, वो क्या सोचेंगे आपके बारे में कि बीवी से छुपाते हैं ये पैसे, पैसे के चक्कर में छुपा रहे हो क्या? कितना भैया कैसे रेंट का, 35 लाख का फ्लैट है, 35 लाख का फ्लैट है, 30,000 रूपए महीना क्लाइंट को। इसको एक काम कर, पेपर लेके ना इसको बिठाओ, बैठ, इसको समझाओ, लो समझाओ, इसको समझाओ, समझाओ ना, इसको समझाओ, क्या समझ आ रही थी,
सुनना उसको अच्छे से कि कितना पैसा आता है। मित्रों को लगता है मैं तो चोरी कर रहा हूँ, इधर खड़े दीपिका इधर खड़ी हो, चोरी कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ मैं, क्या तमीज क्या इधर इधर अपने इधर ये कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है ना भैया, खुद खराब कर रहे हैं इस चीज को। सन्नी मैं अपने पे आऊंगी ना बहुत खराब हो जाएगा काम, मेरे साथ ये सब करना मत मेरे साथ ये सब। आप अपना जोर मत दिखाना कि आपका बहुत जोर है, आपसे चार गुना जोर ज्यादा। सारा सामान मैं कह रहा हूँ भैया की प्रॉपर्टी है, मैं तेरे को घर के होते ना तो बताता फिर मैं अभी। एक बार मतलब कितना चेक कर रही है भैया, मैं सॉरी बोलता हूँ, इसकी थोड़ी गुस्सा पारा बढ़ता जा रहा है, इसको मैं घर भेजूंगा, बहुत इसने तमाशे कर लिए। मेरे प्यारे भाई, चार दिन पहले रेंट आया था, मैंने फोन करके बोला था कि दीपिका को मत बताना, जनता को दिखाना था, प्रैंक करना गुस्सा गुस्सा, मैंने भैया को पहले बोल दिया था कि भाई को पहले सॉरी बोलनी पड़ेगी, भगवान जी माफ कर देना, सॉरी दीपिका सॉरी। भैया चार दिन पहले मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला कि आप डर रहे हो तो मैं आपको मारे भी, पैसे की बात हो रही है। नहीं, वो बता देता हूँ भाई, जो हमने इसे फ्लैट लिया वृंदावन में 35 लाख रुपए का, उसका ये 30,000 रुपए रेंट भी दिलवाते हैं। तो ये कब तक का रहता है? ये 50 महीने तक का रहता है और हर महीने 2 नाइट 3 डेज का स्टे फ्री रहता है। पूरा ऑन रोड फ्लैट है तो उसका भी वैसे ही। हाँ जी अच्छा, तो आप इसको रेंटेड करके रखते हो? हाँ, तो आप 50 महीने तो मिलेगा। कोई बंदा रेंट पे आए ना आए हमें पैसा आता रहेगा। सेकेंड होम बना लो और उसका रेंट भी मिलेगा। दोस्तों वृंदावन में एक हाई लेवल की प्रॉपर्टी, भैया की प्रॉपर्टी, भैया किस नाम से? इससे बड़ी प्रॉपर्टी मैंने आज तक नहीं देखी। दीपिका को मैं घुमाने लाया था चार दिन पहले, रेंट आ चुका है। रेंट किस बात का? हमने इनसे फ्लैट लिया था 40 दिन पहले, 35 लाख रुपए का उसका रेंट आता है। दोस्तों यकीन मानना, इतना सुंदर इतना प्यारा फ्लैट, ये देखो झलक देख लिया आपने। मैं कह रहा हूं एक नंबर तगड़ी प्रॉपर्टी, पैसा इन्वेस्ट करो आपका सेकेंड हाउस। दीपिका मैं कह रहा हूँ मतलब ये चीज तो बहुत बढ़िया लगी भैया की। लोगों को क्या होता है फ्लैट लेने के बाद वो टेंशन में रहते हैं भाई कि वेस्ट तो नहीं हो गया, खराब तो नहीं, एक मतलब तो कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं, लोगों को रिटर्न आना शुरू हो जाता है फर्स्ट डे से। बिल्कुल, वरना प्रॉपर्टियां होती है कि 1-1.5 साल बाद कुछ देना शुरू करती है। हमारा फर्स्ट डे से आपको इनकम आना शुरू, हर महीने 2 नाइट उसका कोई पैसा नहीं। क्या 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 हर महीने 2 नाइट आप रह के भी जाते तो उसका पैसा, जो हम 2 दिन हम रहने आया ना दीपिका, हमने उसके पैसे भी नहीं दिए। अच्छा मतलब वो फिर आप हमारे फ्लैट में स्टे कराते हो या किसी में भी स्टे हो सकता है? इसको लग रहा था ये 2 दिन जो घुमाने लाया ना कि सुन्नी के 12-13 हजार लगे होंगे, इसको ये, इसको बताओ ये भी सरप्राइज दो कि फ्री है। नहीं ये भी कॉम्प्लीमेंट्री, कोई पैसे नहीं लिए। मैं तो मक्खन लगा था कि मैं कूल भैया, पर आप लगने देते ना अगला कोई गिफ्ट हो जाता। अरे यार ये कह रही थी कहीं जा रहे हो, इतना बड़ा होटल बुक कर रहे हो, फिर तो हम 2 फ्लैट ले सकते हैं ताकि 60,000 रुपए तो ये रेंट ही हो गया। इन्वेस्टमेंट दोस्तों वृंदावन में इन्वेस्टमेंट कर दो सिर्फ और सिर्फ 35 लाख रुपए की, और आपको टेंशन नहीं लेनी, फ्लैट लेना है और रेंट आना शुरू। वृंदावन कहाँ पे? मेन रोड पे। भाई जी कितनी दूर है मंदिर से? मंदिर से आपका 2-2.5 किलोमीटर। और मैं कह रहा हूँ एक बार प्रॉपर्टी देखो आप यार, ये देखो नाम आ रहा, और ये देखो अंदर की प्रॉपर्टी, बच्चों के लिए झूले, बच्चों के लिए गेम्स, हाई लेवल का स्विमिंग पूल। और हाँ अगर आपको यहाँ पे शादी करनी है अपनी बेटी की, भैया कितना बड़ा बैंकेट हॉल है अपना? अपना 500 की गैदरिंग का वो तेरी, डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए 3 बैंकेट हॉल है, 3 बैंकेट हॉल है, 7 लॉन है। ओ तेरी देखो बता रहा, मोटी पार्टी है, मेरे को भी पैसे मिल रहे थे, मुझे पता होना चाहिए था, लेकिन ये 30। दीपिका को मैं पहले सॉरी बोलूंगा, प्यारी को मैंने प्यारी सी बच्ची को पहली बार धक्का दिया है, सॉरी। ठीक है दोस्तों मैं कह रहा हूँ एक बार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, मेरी छोड़ो इसके कहने में कर दोगे दीपिका बोलना एक बार। तो गाइस अगर आपका इसमें लॉस नहीं हो रहा है तो आप 35 लाख देखकर आपको महीने का 30,000 रेंट फिक्स है कि मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें 1% भी लॉस है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, पता भी नहीं होता वो पैसा देंगी भी कि नहीं, कहीं लॉस तो नहीं हो गया। और इसमें फिक्स्ड है, सबसे ऊंचा मंदिर और मेट्रो ये सब आ रही है, तो प्रॉपर्टी आपकी जानी है। और दूसरी बात, वृंदावन कृष्णा जी की नगरी में अगर किसी को घर मिल जाए, और उसमें मतलब कृष्णा जी ने एक वरदान दे रखा है कि भाई अगर तुम मेरी नगरी में आ रहे हो तो तुम्हारा लॉस तो मैं होने ही नहीं दूंगा, तो 30,000 का रेंट आपको हर मंथ मिलेगा, और हमारे नाम से ना डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जोड़े ने कहना तहलका प्रैंक की वीडियो देख के फोन कर रहे हैं, डिस्काउंट दो भैया, देना पड़ेगा आपको। मैं भाभी के नाम से मिलेगा, समझ गए? भैया के नाम पे होगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। दोस्तों रूम मैंने आपको दिखा दिया, दोबारा देख लो, लग्जरी रूम है, लग्जरी रूम। ये किसमें थोड़ा सॉरी सॉरी दीपिका,
भैया मतलब फ्लैट भी लो, रेंट भी लो और दो दिन का फ्री स्टे भी लो हर महीने। ओ भाई साहब, अब स्विमिंग पूल के मजे भी लो। हाँ जी। ओ भाई साहब, और जब तक और बंदा अपनी दूसरी शादी भी कर सकता है यहाँ पर। ओ भाई साहब। और जब तक आपको रेंट मिल रहा है तब तक कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई बिजली का बिल नहीं देना, कोई सफाई के चार्जेस नहीं देने। आप आओ, रहो, खाओ, एंजॉय करो, जाओ। मेन रोड की प्रॉपर्टी मैं कह रहा हूँ, जल्दी से बुकिंग, तहलका बचाओ। नीचे कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा और आपके तहलका भाई का नाम लोगे ना, गौरव भैया के आगे या बड़े भैया के आगे डिस्काउंट तुरंत मिनट में। बिल्कुल सही है, तहलका बचाते रहेंगे, बाहर आते रहेंगे। डिस्काउंट की जरूरत ही किसी को नहीं पड़ेगी, जब रेंट आ रहा है वो भी फिक्स्ड, तो फिर किसी को डिस्काउंट नहीं चाहिए। और हाँ दोस्तों, आपके भाई का इंस्टा हैंडल तहलका फ्रैंक यारा, फॉलो करो। भैया भी तो इंटरव्यूज करते हैं। हाँ भैया को ना, मेरे प्यारे भैया का यूट्यूब चैनल, इनका नेचर और ये जो बातें करते हैं और ये सवाल जो पूछते हैं, इनसे बढ़कर हिंदुस्तान में कोई नहीं। एक बार जाके इनकी इंटरव्यूज देखो। वो डायरेक्टर साहब है जिन्होंने हमारा एक घंटे का इंटरव्यू 5 साल में करवाया। हाँ, वो इंटरव्यू भी आप देख सकते हो, बहुत जबरदस्त बातें साथ हुई है कि हमारी शादी कब हुई थी, मैंने कभी बीवी से धोखा दिया था, कभी मैंने इसको। भैया यूट्यूब चैनल कौन सा आपका? केवी टॉक्स। हाँ फॉलो कर लो मेरे भैया के चैनल। बहुत तगड़े बहुत तगड़े तगड़े इन्फ्लुएंसर्स के जो भी यूट्यूबर्स हैं सबके इंटरव्यूज उस पे आने वाले, तो भैया को फॉलो कर लेना, डायरेक्टर साहब से मिल लेना। मैं अभी जल्दी हमने नंबर 1 तहलका प्रैंक की टीम का लिया है, आप वो देखना। KGF 3 बना रहे हो भैया? ओ हाँ, ये डायरेक्टर साहब तहलका बताते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। सही है। लौंडा ये सबसे अलग है, तहलका मचाता है, ये तहलका मचाएगा।